बदवास नगर परिषद जब से नगर परिषद बनी है तब से कांग्रेस के पास नगर परिषद की सीट रही है। पहली बार बदवास नगर परिषद की सीट भाजपा के पास है। इस बार भाजपा की तरफ से बाई परिहार को भाजपा ने मैंडेट दिया है और उपाध्यक्ष के लिए भूपेंद्र यादव का नाम तय किया। हालांकि प्रयाग बाई परिहार पहले भी नगर परिषद अध्यक्ष बदवास रह चुकी हैं, लेकिन पहले वो कांग्रेस की तरफ से रही थी। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं तो उनके साथ सिंधिया समर्थक सभी ने भाजपा ज्वाइन की है। इस बार जो नगर परिषद सीट है वो पहली बार भाजपा के पास गई है। बदवास नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में दो नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें भाजपा की तरफ से प्रयाग बाई परिहार और दूसरी तरफ से निर्दलीय व्यक्ति नीलम परिहार वार्ड क्रमांक 13 से नामांकन दाखिल किया। जैसे परिणाम घोषित हुआ तो 9 वोट प्रयाग बाई परिहार को और 6 वोट नीलम बाई परिहार को मिले। इस प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव बदवास नगर परिषद में हुआ। तो वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो भाजपा की तरफ से भूपेंद्र यादव और दूसरी तरफ से निर्दलीय पार्षद मनीता नरेंद्र ग्वाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। परिणाम के अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष में भी सेम कंडीशन रही। भूपेंद्र यादव को 9 वोट और मनीता नरेंद्र वालों को 6 वोट मिले। इस प्रकार बदवास नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। तो तीसरे नंबर पे गई है भाजपा और भाजपा का ही मुकाबला हो गया। कुछ लोगों ने जो वर्तमान में इनको संगठन को मजबूती देना था उन्होंने आज उल्टा काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट जारी हो गया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था, उसके बाद में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के 3-4 वोटों को जो है उसकी दिशा में ले जाया गया। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के साथ जिन्होंने गद्दारी की है कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का ही बहुमत था, पार्टी ने मैंडेट जारी किया, उसके बाद में भी कुछ लोगों की बातों में लग करके और 4 लोगों ने वोट जो है क्रॉस वोटिंग की है उसका पता लगाएंगे और ऊपर बीडी शर्मा जी और प्रदेश में भेज कर उनको पार्टी से बाहर निकलवाएगी। तो आज की जीत पर क्या कहेंगे आप? वो तो जीत पहले से तय थी। हर हर भोले और घर घर भोले सावन को महीने चल रहा था ना, पहले से तय थी भाई। सीधा सीधा जो है आपको सब मालूम था, एक तरफा बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य थे? मेरे ख्याल से 10 या 11 सदस्य जीत के आए थे। 10 पर मैंडेट में इतनी देरी क्यों हुई? आज नहीं, मैंडेट एक दिन पहले ही जारी किया जाता है। ऐसे महीनों से पहले से मैंडेट जारी कर देंगे तो वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पर्वेक्षक आएंगे, पर्वेक्षक आती है उसके बाद ही तो होता है। वैसे कौन सी पारी है आपकी? एक मिनट। वैसे तो जनता का जब से नगर पंचायत गठन हुआ है हमेशा मेरे परिवार स्वर्गीय लाल साहब का परिवार पर आशीर्वाद रहा है। ये मेरी तीसरी पारी है, हैट्रिक लगाई है, जनता ने मुझे मौका दिया है। सावन का महीना है, भोले भगवान ने डमरू बजा दिया, डमरू बजाया। इस बार लोगों को जो कहते थे बदरवास को आज़ाद कराएंगे, जनता ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है कि जनसेवक कौन है, और जो दुर्भाग्य से जनसेवक बने थे उनको जनता ने जवाब दिया है, उनका डमरू बजाया है। तो क्या मतलब ये फाइनल से पहले की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, आप मान सकते हैं ये सेमीफाइनल है हमारा, अगला हमारा फाइनल होगा। महाराज का आशीर्वाद है, सिंधिया परिवार का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जनता की कृपा है, पार्टी का आशीर्वाद है। और मैं पुनः आपके जरिए मीडिया के जरिए संगठन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे स्थायी सदस्य थे, हमारे जो हमारे साथ थे उनकी बात पर भरोसा जताकर हम लोगों को मैंडेट दिया। तो मैं संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और महाराज के आशीर्वाद से हम लोग पुनः बदवार नगर परिषद भाजपा खाते हैं। जिनकी ओर आपका इशारा है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आपको नगरीय सेवा करने में, तो क्या तालमेल भविष्य में देखने को मिलेगा? हमने तो हर प्रयास किया तालमेल मिलाने का, हमने तो हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ बेतरगात हुआ। आपने आज भी देखा, पार्टी ने जब मैंडेट जारी कर दिया था तो फिर ये नौबत क्यों आई चुनाव करने की? ये आपके सामने परिणाम में क्यों बोलूँ किसी का, ये तो आपके सामने आया है। ठीक है, जनता के संदेश। मैं बदरवास की जनता, देवपुर जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से, कि उन्होंने पुनः हमारे साथियों पर, लाल साहब यादव परिवार पर पुनः विश्वास जताते हुए अपना भरोसा जताया। और मैं उन मेरे 9 जावाज साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी 35-35 लाख रुपए की बोली लगाई गई। और ऐसे ऐसे लोगों की ऑडियो मेरे पास है, आने वाले समय में ऐसे ऐसे जो लोग हैं मैं मीडिया के सामने उनका मुखौटा भी पेश करूंगा। 35-35 लाख रुपए में मेरे साथी नहीं बचे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी मेरे पास ऑडियो है। तो मैं उन मेरे 9 साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे साथ टिकाऊ थे, बिछाऊ नहीं थे। थैंक यू।